पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खून की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को अब मुरादाबाद में ही एक्सपर्ट डॉक्टर मिलेंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हेमाटोलॉजी की ओपीडी शुरू की है। ये ओपीडी सेवा मैक्स मेड सेंटर में शुरू की गई। मैक्स हॉस्पिटल पड़परगंज में हेमाटोलॉजी एंड ब्रेन मेरो ट्रांसप्लांट की कंसल्टेंट डॉक्टर करुणा झा की मौजूदगी में ये ओपीडी सेवा आरम्भ की गई है। डॉक्टर करुणा हर महीने के तीसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। यहाँ मुरादाबाद में हेमाटोलॉजी की ओपीडी स्टार्ट की गई है फ्रॉम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज, जो कि हर महीने के तीसरे ट्यूसडे को मंगलवार को होगी, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जो हेमाटोलॉजी है, इसमें ब्लड संबंधित कोई भी बीमारी जो है उसका ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट्स को हेमाटोलॉजी में दिखाना चाहिए। इस जानकारी को बढ़ाने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि कोई भी पेशेंट जिसको हीमोग्लोबिन कम है या बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है या प्लेटलेट्स बार बार लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या फिर जो टोटल काउंट है बहुत कम रहता है या बहुत बढ़ जाता है, वज़न की कमी या फिर बार बार बुखार आना, शरीर में डिफरेंट जगह जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वैसे ही गांठें अगर महसूस होती हैं, कमर में दर्द या बार बार इन्फेक्शन होना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक ब्लड से संबंधित कोई बीमारी से संबंधित हो सकती है। सो ऐसे पेशेंट्स को एक हेमाटोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हर महीने के तीसरे ट्यूसडे को मुरादाबाद में हेमाटोलॉजी की ओपीडी रहेगी और जो टाइमिंग है वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में। इसी के साथ मैडम, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो गरीब लोग होते हैं वो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे पैनल्स हैं या फिर हमारे हॉस्पिटल का एक EWS पैनल भी है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पैनल है, उसके तहत भी हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। EWS जो है उसमें मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अगर लक्षण है उसके साथ ही अगर कुछ भी पता लग जाए कि मुझे ये लक्षण है, मुझे बीमारी हो सकती है, तो शुरू में क्या ट्रीटमेंट वो ले सकता है जो आपके पास पहुँचने से पहले उसको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है? मेरे पास पहुँचने से पहले जो रिलीफ है, ये बहुत, ये काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। बट जिसको कमर में दर्द है वो पेन किलर ले सकता है, डोलो 650 ले सकता है। इसके आगे कोई ऐसी एग्जैक्टली ट्रीटमेंट वो ले ले और उसका ठीक हो जाए, ये करना भी गलत होगा, क्योंकि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है ये हम जानते नहीं हैं। तो अपने मन से ट्रीटमेंट ना लेने के बजाय मैक्सिमम पेन रिलीफ, जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको, जो परेशानियां हैं उसके लिए वो कुछ दवाइयां ले सकता है, जैसे कि पैरासीटामोल है या डोलो 650 बहुत फेमस है, 650 मिलीग्राम की दवा एक एडल्ट पेशेंट ले सकता है, लेकिन उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जैसे कि आपने बताया आप महीने के तीसरे मंगलवार को, मान लीजिए अगर पेशेंट में बढ़ोतरी होती है तो जैसे आर तक की समय सीमा बढ़ाया जाएगा समय? हाँ जी, बढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में आप कितने मरीज देख सकते हैं? 50 बहुत सब देख सकते हैं। हाँ, तो अगर मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही तो आप, अगर मरीजों की संख्या हो जाए या फिर ये मैनेज ना हो सके तो हम हर महीने में जो नंबर ऑफ OPDs हैं, अभी एक से शुरू किया, उसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? जो शुरुआती लक्षण है, अगर सबसे कॉमन है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है और आपको डॉक्टर ने ट्रीट कर दिया है, बार बार प्लेटलेट चढ़ा दिए हैं बट आप ठीक नहीं हो रहे हो, आपको एक हेमाटोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि एक वो सिंपल सी ITP हो सकती है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या फिर वो किसी कैंसर का प्रेजेंटेशन हो सकता है जिसमें कि प्लेटलेट कम है, या फिर वो कुछ और हो सकता है, वो एग्जैक्टली क्या है उसकी जांच होना, सही जांच होना और सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करने से आपके हेल्दी होने का या आपके स्वस्थ हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।